हेलो गाइज, आपका एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनडीआर कोचिंग क्लास में। मैं रमिशा आपके लेके आया हूँ एंजाइम उत्पीड़न, जो कि काफ़ी और आपके पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे मैं आपको आसानी से आसान तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, सबसे पहले मैंने हेडिंग बना ली है एंजाइम उत्प्रेरण। ओके, यहाँ पर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। वे क्रियाएं जो एंजाइम द्वारा प्रेरित होती हैं, यानी कि इसमें कह रहा है कि अभिक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसमें उसे जो एंजाइम प्रेरित करता है उसे हम लोग कहते हैं एंजाइम उत्प्रेरण। ठीक है, बहुत सिंपल है। जब एंजाइम जीवों की क्रियाओं को प्रेरित करता है, यानी कि जो जीवों की क्रियाएँ होती हैं, जीवों में क्रियाएँ होती हैं, उसको जो प्रेरित करता है एंजाइम, उसे कहते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ, तब इन्हें जैव उत्प्रेरण कहते हैं। ओके, तब उन्हें जैव उत्प्रेरण कहते हैं। सभी एंजाइम उच्च अणुवार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? उच्च अणुवार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो जीवों की कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं, जो कि जीवों की कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। काफ़ी सिंपल और आसान है, बस आपको समझने के लिए। वे क्रियाएँ जो एंजाइम द्वारा प्रेरित होती हैं एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती हैं। जब एंजाइम जीवों की क्रियाओं को प्रेरित करते हैं तब इन्हें जैव उत्प्रेरण कहते हैं। तब सभी, यानी कि सभी कह सकते हैं, ठीक है, एंजाइम उच्च अणुवार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवों की कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। बहुत सिंपल और आसान है, बस याद करने की देर है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे मेरे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।